स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज आर मॉडुलस. कितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी सर? सेवन. सेवन प्रॉपर्टीज लिख चुके थे हम लोग. सेवन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी लिख चुके हैं. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी थी? मॉडुलस जेड वन बाई जेड टू. ये लिखी होगी सर? यस. मॉडुलस जेड वन अपॉन मॉडुलस जेड टू. प्रोडक्ट में मॉड अलग अलग कर सकते हैं सम, ठीक है, डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, ये सब बताया था आपको. तो एक नेक्स्ट पॉइंट, इफ मॉड जेड इज वन, मॉडुलस जेड अगर वन है, देन जेड विल बी इक्वल टू वन अपॉन जेड बार, और जेड बार विल बी इक्वल टू वन बाई जेड. ओके सर, मॉड जेड अगर वन है तो जेड और जेड बार, जेड और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. कैसे प्रूव करोगे? क्यों होता है सर? सर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो जेड जेड बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. देखिए स्क्वायर से ले आते हो, मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मॉडुलस जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड इनटू जेड बार इज इक्वल टू 1. मॉडुलस जेड स्क्वायर जेड इनटू जेड बार को ही तो मॉडुलस जेड स्क्वायर लिखते हैं. तो अब ये जेड बार को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जेड बराबर 1 बाय जेड बार, या फिर जेड बार लिखना है तो जेड बार बराबर 1 बाय जेड. तो इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि क्वेश्चंस में यूज हो. नाइन ही इंपॉर्टेंट है. सम अगर लिखना हो मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू, तो क्या इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं? मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, ये बराबर क्या मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू होगा? इन जनरल नहीं होता. इन जनरल इसके इक्वल नहीं होता. किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल होगा तो उसका केस हम देखेंगे. जनरल क्या है? मॉड जेड वन प्लस जेड टू लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू होता है. या तो ये इससे लेस होता है या इक्वल भी होता है. एक केस में बताते हैं अभी आपको केस कौन सा होता है. तो मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बराबर होता है मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू. इसको बताने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो वो उसी रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जैसे वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. वेक्टर रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है? वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. देखिए एक वेक्टर ए बना है, दूसरा वेक्टर बी था, तो ए के ठीक है हेड पर ए बी रख दिया. अब इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट से जॉइन किया तो यही वेक्टर क्या बनता है? ए प्लस बी. ए माइनस बी बनाना दो सर, बी की डायरेक्शन चेंज कर दो, ये माइनस बी हो जाता है. इसको जॉइन करो तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी. ऐसे वेक्टर हम करते हैं. यही कॉन्सेप्ट किसके लिए लगा सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. बाकी वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे, जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे बात करेंगे डिटेल में और भी पॉइंट्स. फिलहाल यहाँ पे ये लिख लें पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोस वेक्टर रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोस वेक्टर रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वेक्टर रूल को ही फॉलो कर रहा है. अब समझते हैं कैसे क्यों हो रहा है ऐसा. ठीक है, वेक्टर रूल ट्रायंगल तो है ही, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी होता है कि आप यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स बने हैं ये बना हुआ है बी, तो कैसे ए प्लस बी निकाल दो? यहाँ पैरेललोग्राम बना दो, किसी के पैरेलल लाइन बनाओ, ये वेक्टर बी होता है और ये ए होता है, और ये क्या बन जाता है? ए प्लस बी. मालूम है ना? yes. अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, पी जेड वन एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन है. जेड वन क्या है? x1 प्लस आयोटा वाई वन. तो उसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर अगर आप लिखते हो, किसी को कहिए वेक्टर a हो गया, तो x1 i कैप प्लस वाई वन j कैप. ऐसे एक दूसरा वेक्टर में होना है वेक्टर b, ये पॉइंट q z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है x2 प्लस i y2, तो उसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या लिखते हो? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप.
लिख सकते हैं सर। अब यहां देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, इसके पैरेलल लाइन बना दी, इसके पैरेलल लाइन बनाए, ये वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस बी। यहां देखिए वेक्टर ए प्लस बी होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा एक्स वन प्लस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन प्लस वाई टू जे कैप। एक्स वन प्लस एक्स टू आई कैप मतलब इस पॉइंट के क्वाड्रेंट क्या हुआ, एक्स वन प्लस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई टू जे कैप मीन्स वाई क्वाड्रेंट कितना हुआ, वाई वन प्लस वाई टू। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो जेड वन प्लस जेड टू कितना आएगा, जेड वन प्लस जेड टू यही तो आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आयोटा टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू। ये जेड वन प्लस जेड टू को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब जेड वन प्लस जेड टू से भी यही सेम वैल्यू आ रही है जो कि ए प्लस बी से आ रही yes. सेम आ रहा है तो मतलब वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से जो पॉइंट आ रहा है वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से और वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से सेम पॉइंट मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और कॉम्प्लेक्स रूल ऑफ एडिशन सेम ही है यहां पर। अब बात करते हैं ये इनइक्वालिटी कैसे प्रूव, ये लेंथ बताओ कितनी होगी, मॉड जेड वन होगी क्या, ओरिजिन से जेड वन की डिस्टेंस, वही तो उसका मॉडुलस होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, ऐसे ही क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस ये क्या है, मॉड जेड टू। पैरेललोग्राम है तो ये साइड इक्वल होगी, इसकी लेंथ भी मॉड जेड टू और इसकी लाइन मॉड जेड वन, और इस लाइन की लेंथ बताओ ओआर की लेंथ मॉड जेड वन प्लस जेड टू, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। एक ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होती है, ये तो लिखा सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इन दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, इक्वल कब हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा, यही जेड वन हो इसी के आगे जेड टू बन जाए तो इसी के आगे जेड वन प्लस जेड टू बनेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो कोलिनियर हो जाएंगे तो ये इक्वालिटी आ जाएगी, ये ट्रायंगल रूल से आ रहा है तो इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्या कहेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नोट कर लीजिए पॉइंट्स मेन ये फॉर्मूला है कैसे आया, ये सारी बात अभी तक हो रही है। तो ये बन गया था जेड वन प्लस जेड टू, इधर ना पॉइंट ऐसे बना लिया था। अब मुझको अगर जेड वन माइनस जेड टू चाहिए तो ये वेक्टर बी है जैसे, तो इसके जस्ट अपोजिट बनाओगे तो यहां क्या बनेगा, माइनस जेड टू। ऐसे जहां भी पैरेललोग्राम बनाओगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये मिल जाएगा हमें जेड वन माइनस जेड टू, या ये वेक्टर बनेगा माइनस बी, वेक्टर ए तो मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस बी, इसका मॉडुलस मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू, ये लेंथ मॉड जेड वन, मॉडुलस माइनस जेड टू का मॉडुलस भी मॉडुलस जेड टू, ये लेंथ होती रहेगी, ये लेंथ मॉडुलस जेड टू। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू से ही बड़ा होगा, जिस तरह से टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है उसी तरह से टू साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से छोटा होता है,
तो अगर आप इसी टाइम लाइन इक्वल टू को ऐसे लिखें मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू लिखें या मॉडुलस जेड टू माइनस जेड वन लिखें, तो इसका भी मैं मॉड ले रहा हूं, दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड आप जेड वन प्लस जेड टू वाला ट्राइंगल लोगे, तो इन दोनों साइड का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस इस थर्ड साइड से छोटी, या ये ट्राइंगल लोगे तो मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू इससे छोटा होगा, तो मतलब यहाँ प्लस लिखो या माइनस दोनों ही ट्रू है, जेड वन प्लस माइनस जेड टू, समझ रहे? This will be less than or equal to. यही वाले पार्ट लगा दे, sum of two sides. A complete triangle inequality आ गए. Sum of two sides greater than third side. अब वो third जो triangle होगा उसके अकॉर्डिंग sum से भी बड़ा होगा, difference से भी. इस triangle में इन दो sides का sum third side से बड़ा. इस side से भी greater है, इससे भी greater. और ऐसे difference of two sides. Modulus z1 minus modulus z2. उसका modulus. थर्ड साइड से छोटा है, तो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जनरल पार्ट फॉर्मूला, मतलब इसमें कंप्लीट आ गए सभी डिफरेंस भी सब भी, ये तो एक पार्ट में देखा था, अब इसी को जनरलाइज कर दिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी. इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वल का होगा जब कोलिनियर होगा, तो उस पॉइंट को भी लिखने सर, जो आपने ऊपर लिखा एक बार ही बोल दो, रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की वहां पे, इससे देखिए यहां लिख दिया मॉडुलस z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस माइनस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2, ठीक बेटा ये लिखा. ओके सर, थैंक यू. यहां भी रिफ्लेक्शन आ गई क्या? नहीं सर. ये है पॉइंट. अच्छा मैं यह कह रहा था इक्वालिटी होल्ड्स, इसमें क्या पॉइंट पढ़ने जा रहे थे, इक्वालिटी होल्ड्स इफ ओरिजिन जेड वन जेड टू आर कोलिंग, अब जैसा हो अगर ये लिखा है मॉड जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू, तो इसमें देखिए किस तरह से बनेगा, ये ओरिजिन होगा z1 वन यहाँ जेड टू इधर, तो इसी लाइन में कहीं z1 वन प्लस जेड टू हो जाएगा, तो z1 का आर्गुमेंट z2 का आर्गुमेंट सेम होगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स, ओरिजिन जेड वन जेड टू जेड वन प्लस जेड टू को लिए रोगे, कोई प्रॉब्लम? कोई भी डाउट है तो पूछिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें. यह है ट्राइंगल इनइक्वालिटी. नेक्स्ट कुछ और पॉइंट बताते हैं आप, पॉइंट नंबर 10. ऐसे लिखा हो मॉड जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर, तो इसको क्या हम मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू लिख सकते हैं. देखिए मॉड जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लिख सकते हैं. नहीं क्यों, ये सर आगे कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा सर, वो टू रियल पार्ट होगा. ठीक है देखते हैं क्या होगा. ये ऐसे लिखा था मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू होल स्क्वायर, तब तो ये सही था क्योंकि मॉड लेने पे रियल नंबर होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना तो ठीक है मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन इंटू मॉडुलस जेड टू, समझ रहे हैं, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन ये दोनों सेम नहीं,
ये भी तो हमने देखा, ये अलग होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में डिफरेंस है, तो ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू लिखनी हो तो फिर क्या होगा, तो देखते हैं इसको कैसे लिखें, 11th में लिख देते हैं, मॉड जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर, ये आपको बताया था मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है, मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको चलिए लिखेंगे, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू बार, जेड वन प्लस जेड टू बार, बार कॉन्जुगेट आ गया, कॉन्जुगेट आ गया, दोनों पे अलग अलग कर लो इसको, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू बार, ऐसे लिखो, अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जेड वन इंटू जेड वन बार कितना हो गया, पहले वाला मल्टीप्लाई करो, जेड वन इंटू जेड वन बार मॉड जेड वन स्क्वायर, जेड टू इंटू जेड टू बार मॉड जेड टू स्क्वायर, फिर जेड वन इंटू जेड टू बार, जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार, देखें इसको फर्दर क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए पहले, जेड प्लस जेड बार क्या होता है बताओ, इसको ऐसे ले सकते हो, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार क्या ले सकते हैं, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, देख लो जेड एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा आई वाई, टू एक्स मतलब टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे भी लिखा जाता है, जेड प्लस जेड बार, जेड वन इंटू जेड टू लिखो या जेड टू इंटू टू जेड वन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ध्यान से देखें तो इसका कॉन्जुगेट ये आएगा, जेड वन का कॉन्जुगेट जेड वन बार, जेड टू बार का कॉन्जुगेट जेड टू बार का बार लोगे तो जेड टू, तो ये जो वैल्यू है अगर जेड है तो ये क्या है, जेड बार है, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, देयरफॉर मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन गया, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार, ये फॉर्मूला, नोट करेंगे, मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन जेड टू नहीं है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इंटू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इसी सिमेट्री है, अगर हम मॉड जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर लिखे तो क्या है, माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू माइनस, बाकी सेम रहेंगे, तो मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ऐसा बन जाए, अच्छा 11 और 12 को ऐड कर दें, मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ये कैंसिल मिलेगा, टू टाइम्स मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर, आ जाएगा, देखिए कटिंग, मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर विल बी टू टाइम्स मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर, लिख लें, इससे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं, इससे इसका आपने डीपीपी वन ट्राई की होगी तो उसमें भी था ये क्वेश्चन, देखेंगे इसको ज्योमेट्रिकली, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, दूसरा जेड टू है, यहां पे पैरेललोग्राम बना है, तो ये बना था जेड वन प्लस जेड टू, मतलब ये है मॉड जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है, ये मॉड जेड वन है
ये मॉड जेड टू, और डिफरेंस जब बनाया था इसको इधर ले गए थे, और ऐसे ही यहां पर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था हमने, ये बना था मॉडुलस जेड वन माइनस जेड, ये बना था। ये देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखें इसको, अगर मैं जॉइन करूं ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये मॉड जेड वन माइनस जेड टू, ये लेंथ भी मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू, ये एक डायगनल है मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू, दूसरी डायगनल क्या है मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू, और ये एक पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी, ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम है। तो इनमें एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, याद रखिए मॉडुलस जेड वन स्क्वायर ये हुआ, ये भी मॉडुलस जेड वन स्क्वायर, ये मॉडुलस जेड टू, ये भी मॉडुलस जेड टू, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर सभी साइड्स का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा मॉडुलस जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर टू टाइम्स, और ऐसे ही मॉडुलस जेड टू स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर टू टाइम्स आ जाएगा, और ये क्या है डायगोनल्स का स्क्वायर। तो लिखें यहां से फॉर एनी पैरेललोग्राम, फॉर एनी पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, ठीक है, डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम जितनी भी साइड्स हैं उन सभी के स्क्वायर्स के सम के बराबर। क्वेश्चंस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, नोट करिए और ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा इंटू वन प्लस टू आयोटा इंटू वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा इंटू थ्री माइनस आयोटा, then find argument of z, z ये complex number दिया हुआ है, then find argument of z, तो z का argument calculate करें। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट कॉन्जुगेट इन सभी पर बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, जो भी प्रॉपर्टीज और ये सारे पॉइंट्स पढ़े अभी तक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जल्दी से बनाए, जिसका भी आंसर आ जाए तो बता सकता है। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बताएं आंसर।
सर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है रिगार्डिंग में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ज्यादा आसान होगा। कैसे सिंप्लीफाई करें? यहां पर है वन प्लस आई, वन माइनस आई, आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस आई स्क्वायर। तो कहीं अगर वन लिखा तो उसकी जगह हम माइनस आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसे इस वन की जगह, अगर पहले वन की जगह मैं माइनस आई स्क्वायर लिख दू, प्लस आई तो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? वन माइनस आई। बाकी के टर्म बाद में बात करेंगे, पहले इस टर्म की, एक टर्म को देखो, इस वन की जगह क्या लिखा मैंने? माइनस आई स्क्वायर, प्लस आई था, बाकी वैसे ही रखा है। इन दोनों इसमें क्या कॉमन ले लो? आई कॉमन लो, तो वन माइनस आई आए अपॉन डिनोमिनेटर में वन माइनस आई, ये कैंसिल हो जाए, मतलब इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? आई आ गई, आयोटा, आयोटा आ गई। ऐसे ही सेकंड टर्म को देखिए, इस वन को क्या लिखे? माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा। फिर से इसमें से क्या कॉमन ले? आयोटा कॉमन ले, तो क्या आएगा? टू माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में कितना है? टू माइनस आयोटा, कैंसिल, ये तो है। बोलो ऐसे ही थर्ड में वन को लिखिए, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस थ्री आयोटा अपान थ्री माइनस आयोटा था, इसमें से आयोटा कॉमन लो, थ्री माइनस आयोटा अपान थ्री माइनस आयोटा, ये भी कैंसिल। आई इंटू आई इंटू आई, आई क्यूब, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ये जो क्वेश्चन था बड़ा होगी सिंप्लीफाई होकर के माइनस आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट निकालो, माइनस आयोटा क्या हुआ? जीरो कहां माइनस है, कहां पे मिलेगा? माइनस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो नेगेटिव वाई एक्सिस को, इसको आपने ओरिजिन से ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव एक्सिस था, एंगल कितना बनाना है? माइनस पाई बाई टू। तो इसका आर्गुमेंट जेड बराबर आ गया माइनस पाई बाई टू, ये आंसर। आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। नोट करिए, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। सेकंड, एक मॉडुलस जेड वन इज इक्वल टू मॉडुलस जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस जेड थ्री अप टू मॉडुलस जेड एन इज इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट mod of z1 plus z2 plus z3 up to zn is equal to 1 upon z1 plus 1 by z2 up to 1 upon zn। हाँ क्या बोलो बेटा? सर हो गया, हो गया, वेरी गुड। तो देखा वो क्वेश्चन है बच्चे का, लग रहा है mod plus z1 बराबर mod z2 बराबर mod z3 up to mod zn is equal to 1, तो हमें ये प्रूव करना है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, वहां पे बस थ्री टर्म थे लेकिन जेड वन जेड टू जेड थ्री, यहाँ एन, प्रोसीजर सेम। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, अगर इसमें दिया हुआ हो किसी ईयर में आया था तो मैं देख के भी बताता हूँ आपको, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हो गया सर, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन लग रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है मुझे। कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? जो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी? मॉड जेड इज इक्वल टू वन, If mod z is equal to 1, then square करोगे तो mod z square is equal to 1, means z into z bar is equal to 1. तो z बराबर क्या है? 1 upon z bar. ये वाला काम है। तो
मॉडुलस जेड इज 1 इज इक्वल टू 1 भी है तो जेड1 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन जेड1 बार जेड2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड2 बार तो यहां पे एलएचएस लीजिए देयरफॉर मॉडुलस जेड1 + जेड2 + जेड3 अप टू जेडn ये बराबर क्या होगा जेड1 की जगह क्या लिखो 1 अपॉन जेड1 बार जेड2 की जगह 1 अपॉन जेड2 बार 1 अपॉन जेड3 बार अप टू 1 अपॉन जेडn बार ऐसे लिख लो ठीक है सबका अलग अलग कॉन्जुगेट ले या पूरे का सम का एक साथ कॉन्जुगेट ले ले एक ही बात है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3 अप टू 1 अपॉन zn इस पूरे का कॉन्जुगेट ठीक है और मॉडुलस z बार बराबर मॉडुलस z ही होता है मॉडुलस z बार लिखो या मॉड z लिखो दोनों सेम होते हैं ये कॉन्जुगेट भी हटा सकते हो कॉन्जुगेट जैसे ही हटाया वही आरएचएस से 1 / z1 + 1 / z2 अप टू 1 / z है ये तो है आरएचएस बोलो कोई प्रॉब्लम है तो भाई और ऐसे ही करना था जेई का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 For any two complex numbers, Z1 and Z2, prove that modulus 1 minus Z1 bar Z2 whole square minus modulus Z1 minus Z2 square is equal to 1 minus modulus Z1 square into 1 minus modulus Z2 square. For any two complex numbers z1 and z2 prove that 1 minus z1 bar z2 square minus modulus z1 minus z2 square is equal to 1 minus z1 square into 1 minus z2 square तो लोग ट्राई करें फॉर्मूला बस लगाना है मॉडुलस z1 - z2 की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला तो फॉर्मूला इसका फॉर्मूला बताओ सही बताया था ना mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार सही पढ़ा था इसका फॉर्मूला इसका ये फॉर्मूला लगा दें यही फॉर्मूला फर्स्ट वाले में भी लगाना है सेम बस यहाँ जेड वन की जगह क्या है वन और जेड टू की जगह क्या है जेड वन बार जेड टू ये हो गया जेड वन और ये हो गया जेड टू तो क्या लिखोगे सेम फॉर्मूला लगाओगे तो मॉड जेड वन इसका मतलब मॉडुलस वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड वन बार जेड टू स्क्वायर माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन मतलब वन इंटू जेड टू बार मतलब इसका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लोगे तो जेड वन बार का कॉन्जुगेट जेड वन और जेड टू कॉन्जुगेट जेड टू बार ये तो है देखो सेम फॉर्मूला लगा है बस जेड वन की जगह वन है जेड टू की जगह जेड वन बार जेड टू है
ठीक है ना। तो इसको अब यहां देखिए मॉडुलस वन स्क्वायर मतलब वन, इसको क्या लिखोगे मॉड जेड वन बार इंटू जेड टू, मॉड जेड वन बार मॉडुलस जेड वन ही होता है और ये मॉडुलस जेड टू बार, मॉडुलस जेड टू होता है स्क्वायर 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 कर लें, मॉडुलस जेड वन बार मतलब मॉडुलस जेड वन ही होगा, मॉडुलस जेड वन स्क्वायर इंटू मॉडुलस जेड टू स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर। कॉन्जुगेट मॉडुलस जेड वन बार मॉडुलस जेड वन के ही बराबर। अब देखें फर्स्ट और थर्ड टर्म में से वन कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या लेगा वन माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर, ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ में से क्या कॉमन ले ली माइनस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा वन माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर, मतलब इसे फैक्टराइज कर दीजिए वही आंसर। अब वन माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर कॉमन तो बन गया वन माइनस मॉडुलस जेड वन स्क्वायर इंटू वन माइनस मॉडुलस जेड टू स्क्वायर दैट इज आर एच एस, ये तो है आर एच एस मिलेगा बताए सिंपली इसका फॉर्मूला लगाया फिर फैक्टराइज कर दिया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन वन माइनस जेड वन बार जेड टू इज लेस देन वन देन प्रूव दैट then prove that either modulus z1 is less than 1 and modulus z2 is less than 1 or modulus z1 is greater than 1 and modulus z2 is greater than 1। बनाएंगे मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू अपॉन वन माइनस जेड वन बार जेड टू लेस देन वन देन प्रूव दैट आइदर मॉडुलस जेड वन लेस देन वन एंड मॉडुलस जेड टू लेस देन वन और मॉडुलस जेड वन ग्रेटर देन वन एंड मॉडुलस जेड टू ग्रेटर देन वन। सो डिनोमिनेटर में जेड वन के ऊपर बार है, हाँ जेड वन के ऊपर बार है, डिनोमिनेटर में जेड वन के ऊपर बार है, नोट कर लें ठीक से क्वेश्चन और सभी लोग बनाए कोशिश करें ठीक से ट्राई करिए बनना चाहिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उन्हीं में से कोई फॉर्मूला ठीक है लग रहा होगा लगाइए क्या लग सकता है। अभी जो क्वेश्चंस किए इससे पहले क्या उनका कहीं यूज हो सकता है आप देख लीजिए और देखिए कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, सभी एंगल्स फटाफट सोचिए उसको अप्लाई कीजिए, अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई ठीक है एंगल बदल बदल के देखिए क्वेश्चन को। सर हो गया, हो गया बेटा, तो कैसे यूज करेंगे इसे बताइए। सर पहले ऊपर मॉड जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू होगा तो फिर स्क्वेयरिंग कर देंगे, हाँ फिर कौन सा थर्ड क्वेश्चन को ही ऊपर में अप्लाई किया वही फोर्थ में देखो मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू और ये दूसरा वाला मॉडुलस ये नहीं दिख रहा yes, ये मॉडुलस ये वाला है, ये मॉडुलस ये वाला है, ये तो है। चलो अच्छा पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं मॉड जेड वन बाई जेड टू को ऐसे ले सकते मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू प्लस जेड वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर ले तो मॉड जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर वन माइनस जेड वन बार जेड टू स्क्वायर
ऐसे लिखें। अब इसको ले जाए LHS में, ठीक है, या उसको ले जाए RHS में, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड वन बार जेड टू माइनस मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसके दो केस बनाना पड़ेंगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग किया, तो क्या कर सकते हैं, वापस सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, क्या हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मॉड है पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोई इसमें परेशानी नहीं है, सही किया है, निगेटिव पॉजिटिव पता नहीं रहता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, निगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करोगे इक्वल डिजाइन बदल जाएगी, लेकिन अमाउंट पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अब यहाँ स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू पॉजिटिव थी, देखो स्क्वायर करने से पहले ये लिखा है ना, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, अब जब स्क्वायर किया तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव तो क्या स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो मान लो ऐसे नहीं लिखा होता, ए लेस देन बी, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर ग्रेटर लेस देन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सही, अच्छा ए निगेटिव होता तो अभी पॉजिटिव तब क्या होता, सर नहीं कर सकते स्क्वायर, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे होगा माइनस वन लेस देन थ्री स्क्वायर करने, क्या प्रॉब्लम, लेकिन कोई कहेगा माइनस वन आपने दिया सर, मैं माइनस फोर लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनस फोर लोगे क्या नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, पता नहीं क्या आएगा, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो कर सकते हो इनइक्वालिटी साइन, कर सकते हो, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, यहां कहते दोनों पॉजिटिव थे इसलिए स्क्वायर कर दिया, इनइक्वालिटी के बेसिक्स अगर आप देखोगे तो ऐसे, फिलहाल अब इसके आगे बढ़ते हैं, यही तो लिखा था क्वेश्चन नंबर थ्री में, इसको हमने फैक्टराइज किया था, देखो ये फैक्टराइज किया था, ये आया था क्वेश्चन नंबर थ्री वाला रिजल्ट यूज कर लो, या फिर से सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे ही सॉल्व करके फिर लिख लो, सॉल्व तो करना नहीं चाहते डायरेक्ट लिख लेना चाहते हो मेरे ख्याल से, ठीक है तो लिख लेते हैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को, और लिख लें कहां से लिखा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो हम यहां से क्या कहेंगे, दोनों पॉजिटिव, वन माइनस मॉड जेड वन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड वन माइनस मॉड जेड टू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, या फिर वन माइनस मॉड जेड वन स्क्वायर लेस देन जीरो एंड वन माइनस मॉड जेड टू स्क्वायर लेस देन जीरो, इसको इधर ले जाओगे, वन ग्रेटर देन मॉड जेड वन स्क्वायर मतलब मॉडुलस जेड वन क्या है, यहां से लेस देन वन एंड मॉडुलस जेड टू लेस देन वन, और यहां से क्या आएगा, मॉडुलस जेड वन ग्रेटर देन वन एंड मॉडुलस जेड टू ग्रेटर देन वन, तो दोनों मॉडुलस या तो वन से छोटे होंगे या दोनों मॉडुलस वन से बड़े होंगे, एक प्रूव करना था, ये तो है, अगर दोनों मॉडुलस वन से बड़े होंगे तो ये वन माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू निगेटिव, वन माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू निगेटिव, या दोनों वन से छोटे हैं तो वन माइनस वन से छोटी वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जे, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड माइनस मॉड जेड माइनस वन, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड माइनस मॉडुलस जेड माइनस वन,
बनाएंगे? वन वन सही है, वन क्या यूज करेंगे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उसमें भी सभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करने की जो जरूरत है क्वेश्चन में उसके अकॉर्ड है। कौन से देखेंगे? ये पढ़ा था हमें मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू, इसका मॉडुलस हो तो भी, बिना मॉड हो तो भी, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस जेड टू भी होता है, मॉड जेड वन माइनस जेड टू भी होता है, लेस देन मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू, जैसी जरूरत है। यहाँ देखिए इन दोनों, इसको अगर मैं जेड वन कहता हूँ इसको जेड टू कहता हूँ, जेड वन माइनस जेड टू करते हैं जेड कैंसिल, जेड हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आगे आंसर यहाँ क्या लिखोगे? जेड वन की जगह लिखो जेड, जेड टू की जगह जेड माइनस वन, कितना हो गया? छोटी होगी, तो मैक्सिमम पूछा यहां, देयरफॉर मैक्सिमम इज वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट and least value of mod z if z satisfies, if z satisfies modulus z minus 4 upon z is equal to, find the greatest and least value of mod z if z satisfies mod z minus 4 by z is equal to 2। ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करनी है, जनरल ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और उससे बनाना है इस क्वेश्चन को। बनाएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स। सर मिनिमम जीरो, मिनिमम जीरो नहीं सर, ग्रेटेस्ट रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस वन ठीक है, सही है। लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों ही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सर रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव माइनस वन सही है आंसर, रूट फाइव प्लस वन एंड रूट फाइव माइनस, बहुत बढ़िया ये आंसर आएगा इसका। इसके लिए देखें कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है, मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस आर माइनस, जो भी जरूरत हो यहाँ पे माइनस की जरूरत है ना, लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, ये थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंप्लीट। जेड वन क्या है, जेड है, जेड टू क्या है, फोर बाई जेड है, तो इसमें माइनस वाली हम यूज कर लेंगे यहां से, तो लिखेंगे जेड माइनस फोर बाई जेड, क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस माइनस फोर बाई जेड का मॉडुलस, माइनस का मॉडुलस वन नहीं होता तो फोर बाई जेड ऐसा आ जाएगा, ऐसे ही यहां हो गया जेड माइनस मॉडुलस माइनस फोर बाई जेड का मॉडुलस फोर बाई जेड हो जाए, ऐसे लिखो, लिख सकते हैं ये जेड वन ये जेड टू कर दिया इसमें निकल गए। अब यहां देखिए इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, टू ये हो गया मॉडुलस जेड वन जेड माइनस, इसको अलग अलग कर सकते हो, फोर बाई मॉड जेड प्लस फोर अपॉन मॉड, अब यहां पर टू इनइक्वालिटीज बन, एक तो ये पार्ट बन रहा है एक ये बन रहा है, मॉड जेड रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं, मॉड जेड जो है एक्स आप समझ सकते हो, हर जगह एक्स लिख करके भी सॉल्व कर सकते, लेट मॉड जेड इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स निकालना है मुझे, और एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो है, जीरो के बराबर भी नहीं, मॉड जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने में कोई दिक्कत हो,
पहले किसी ने इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आगे देयरफॉर x + 4 / x ग्रेटर देन और इक्वल टू एलसीएम लो तो x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इसको ले आओ एलएचएस में x² - 2x x - 1 का होल स्क्वायर अच्छा है ले आओ एलएचएस में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा प्लस 5 हो जाएगा ये प्लस 3 प्लस 3 आ रहा है देख ले प्लस 5 आ रहा है ठीक है x माइनस 1 प्लस 3 4 x स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 4 कौन सा ये वाला ये इनइक्वल ये सॉल्व कर रहे हैं माइनस होगा क्यों ठीक है ना सर सही है देख लें कोई भी डाउट है तो बताइए यहाँ पे हाँ ठीक दिख रहा है अच्छा स्क्वायर प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होता है तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x यहां से x की कोई भी वैल्यू हो हमेशा ट्रू है ये इनइक्वालिटी अब इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं मॉड z की जगह x ले ये हो गया फर्स्ट केस एंड सेकंड में क्या है मॉड x - 4 / x लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉड के सॉल्व करने का देखिए मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हो तो x क्या होता है ये पता होना चाहिए माइनस 2 से 2 मॉड x लेस देन 3 लिखा हो तो x माइनस 3 से 3 तक ले सकते हो ऐसे ही यहां पर x माइनस 4 / x कहां से कहां तक ले सकते हो माइनस 2 से लेकर प्लस 2 अगेन दो इनइक्वालिटी आ गई तो फिर से दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा यहां एलसीएम ले लो तो ये आ गए माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2x फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2x या x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ये पॉजिटिव है तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन रूट 5 x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 क्या आ गया x स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 से बड़ी हो इसी में सेकंड पार्ट ये फर्स्ट था माइनस 2x से ग्रेटर सेकंड पार्ट लेस देन 2x x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2x 2x को ले आओ फिर से परफेक्ट इसको ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 5 तो x माइनस 1 लेस देन रूट 5 x विल बी लेस देन रूट 5 प्लस 1 यहां से रूट 5 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू है और उधर से रूट 5 प्लस 1 से छोटी वैल्यू तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आई इन दोनों का इंटरसेक्शन देयरफॉर x विल बी रूट 5 माइनस 1 से रूट 5 प्लस 1 x क्या है मॉडुलस z तो मॉड z की वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 से रूट 5 प्लस 1 तो ये मिनिमम हो गई और ये तो मॉडुलस z की मिनिमम वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 एंड मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू है रूट 5 प्लस 1 नोट कर लीजिए बताइए कोई भी डाउट है किसी स्टेप में देखें कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में वापस सुन लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन फीस में ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर रहे थे जनरल मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू मॉड जेड वन प्लस माइनस जेड टू इसमें हमें माइनस वाली यूज करेंगे मॉड जेड माइनस फोर बाई जेड तो ये जेड वन हो गया ये जेड टू ये जेड वन और जेड टू की वैल्यू रख ठीक है इसको लिख दिया फोर बाई मॉड जेड अगले स्टेप में और कुछ नहीं लिखा अब बस इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का काम कंप्लीट हो गया है क्योंकि मॉड जेड तो एक रियल नंबर x लिख दिया तो अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं मॉड में मॉडुलस में इनइक्वालिटी जो लिखी है उसको सॉल्व कर रहे हैं यहां तक यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सॉल्व हो रहा ठीक है तो बस यहां पे लिख दिया मॉड अब इस पहले इस केस को सॉल्व किया तो x + 4 / x ग्रेटर देन आर इक्वल टू एलसीएम लिया 2x को ले लिया x - 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये ऑलवेज ट्रू है दूसरा केस लिया यहां से इसकी जगह x लिखा तो x माइनस 4 / x लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉड x लेस देन 2 हो तो x की वैल्यू जो अंदर वाली मॉड हटाने पे माइनस 2 से प्लस 2 तक होगी x से मल्टीप्लाई कर लिया एलसीएम लेकर
दो इनइक्वालिटी फिर से बन गई, इसको दो केस फिर से सॉल्व किए, पहले ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस टू एक्स एंड सेकंड केस लेस दैन इक्वल टू एक्स, इसको ले आया एलएचएस में, ये बन गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, गया एलएचएस में फाइव, रूट लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट फाइव माइनस वन, ऐसे ही इसको इस तरफ लेकर गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव फाइव हो जाएगा, रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू रूट फाइव प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन से रूट फाइव प्लस वन बता रही, एक्स किसको अज्यूम किए थे मॉड जेड को, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई मॉड जेड की। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन पढ़ा है फिजिक्स में,